नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन डी ओम जी पर। दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप में जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, तो जैसे ओपन करने के बाद आपका जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लोज हो जाता है, उसकी जगह आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो ओपन होता है। तो दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इस प्रकार से प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से ठीक करते हैं चलिए जानते हैं। देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ओपन हो गए। तो आपको करना क्या है, जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होता है तो आपको करना क्या है, ऊपर देख सकते हैं जो तीन डॉट है यहाँ पर क्लिक करना है और आपको नीचे आ जाना। नीचे आपको जो सेटिंग दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर में जो ऑलवेज का शो होता है वहाँ पर आपको करना क्या है, ऑलवेज की जगह आपको जो है नेवर जो लिखा है इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। नेवर क्लिक करने के बाद आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को आपको जो है क्लोज़ कर लेना है। क्लोज़ करने के बाद आपको फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका जो है ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो है बड़े आसानी से ओपन हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज़ भी नहीं हुआ। यहाँ पर अगर इसे यूज रिकमेंडेड सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं या तो आस्क मी लेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या दोस्तों इस प्रॉब्लम से सलूशन मिल गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।